यहाँ पर मेरे पास लाडवा आम है, कच्चा कैरी, तो इसका मैं अचार बनाऊंगी। तो धोकर पोंछ लिया है मैंने और इस तरह से मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। कटे हुए आम में हल्दी पाउडर और एक बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। अच्छे से मिलाकर ढक देते हैं जब तक कि नमक हमारे आम से मिल के पानी नहीं छोड़ देता। अचार का मसाला बनाने के लिए मैंने सबसे ज़्यादा मैंने धनिया लिया है। इन्हें हम हल्का सा गर्म कर लेते हैं। छूने में ये गर्म लग रहा है और इसे मैं इस तरह से दबा रही हूँ तो ये फूट रहा है, तो निकाल लेते हैं। अचार में सौंफ का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैंने सौंफ 2 चम्मच लिया है और ज़ीरा को 1 चम्मच लिया है। खुशबू आ रही है और हल्का हल्का गर्म भी हो चुका है, तो निकाल लेते हैं। आप पीली राई डाल सकते हैं, मेरे पास इस समय काली राई है, तो काली राई को हल्का सा भूनना है, इन्हें सिर्फ गर्म करना है। राई भी निकाल लेते हैं। थोड़ा सा हम मेथी दाना भी भून लेंगे। अचार में मेथी का बहुत ही बड़ा रोल होता है तो इसे स्किप बिल्कुल भी ना करें। कड़वी होती है लेकिन अचार का स्वाद बढ़ाती है, प्लस हमारे बॉडी के लिए भी, जैसे कि आँख हुआ, त्वचा हुआ, बाल हुआ, उसके लिए भी फ़ायदेमंद करती है। तो अचार मैं इसी तरीके से बना रही हूँ कि जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। मेथी भी थोड़ी गर्म हो चुके हैं, बाकी के मसालों में डाल देते हैं, ठंडा करते हैं और मिक्सी जार में डालकर मोटा मोटा पीस लेते हैं। अचार के मसाला को हमने इस तरह से मोटा ही पीसा है। अब इसमें हम जितना तीखा खाना है उस हिसाब से लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, बहुत ही थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे, क्योंकि हमने नमक को हमने आम को जब हम इसमें नमक और हल्दी डाल रहे थे तो काफ़ी मात्रा में हल्दी और नमक था। इन्हें एक बार फिर चला लेते हैं। यहाँ पर हम आम को देख लेंगे, तो सुबह मैंने आम में नमक और हल्दी डालकर रखा था, तो ये देखिए बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। तो कई लोग इसे फेंक देते हैं और इसे हम सुखाकर बनाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं आम भी लूँगी और उसका पानी भी यूज़ करेंगे। जो मसाले हमने मिक्सी जार में पीसे थे सारे डाल देंगे। मसाले को अच्छी तरह से आम में मिला देते हैं। जितना पानी था सब मसालों ने सोख लिया है और अचार बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। सरसों का तेल डाल दूंगी, जितना आपको चाहिए, तो मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी। आप चाहे तो खूब सारा तेल डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हेल्दी वाइज बना रही हूँ तो कम डालूंगी राई का तेल, सरसों का तेल, और थोड़ा सा वाइट विनेगर डाल दूंगी, जिससे कि अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। मिला लेते हैं। 2 से 3 दिन में ये अचार हमारा खाने लायक हो जाता है। इसे मैंने एक पत्थर के बोल में निकाल कर रखा हुआ है, कांच के बोल में। मैंने इसे स्टील में बनाया था, लेकिन आम के खट्टे के कारण वो ख़राब हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसमें निकाल कर रख लिया है। 2 से 3 दिन तक धूप में रखूँगी और बाद में किसी जार में भर कर रख लूँगी। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी अचार बना है।